अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। और सबसे पहले आज हम अपने गमलों से शुरू करते हैं। तीन इधर पड़े हैं, दो इधर पड़े हैं और तीन उधर पड़े हैं। टोटल 7 गमले यहाँ हैं और 2 नीचे हैं, तकरीबन 9 हैं। 8 ये हो गए, 3, 3, 6, 2, 8 और 2 नीचे, 10 गमले हमारे पास। आज मैंने गिना, जब से हम वीडियो बनाने लगे तो मैंने आज ही गिना कि हमारे पास कितने गमले को। और ये देखें, सारे पैड्स वगैरह, सॉरी पैड्स नहीं है, गमले पैड्स वगैरह तो साथ ही उधर ही पड़े हैं। उनके मैंने अभी छांव वगैरह ख़त्म किया है, पहले बनाई हुई थी। देख, आज फिर कांटा लग गया हमेशा की तरह, जब भी इन्हें छेड़ता हूँ ना वो भी गुस्से में आ जाते हैं। और ये भी गुलाब का फूल निकल रहे हैं एक, ये देखें एक दो दिन में निकल आएगा। और ये भी, और एक मिनट के वक्त के बाद फिर वीडियो बनाते हैं, अभी आज आने शुरू होगी। उस वक्त के बाद अब हम आए हैं इस वक्त नाइट में पैड्स के बाद। देखें ये सारे सो रहे हैं, दो ये फीमेल भी अंडे, मेरे ख्याल में जो अंडों पे बैठी है वो भी बाहर है, मेरे ख्याल में ताज़ी हवा लगवाने के लिए आई हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि इस बार उसके बच्चे निकलेंगे, बाकी पैड्स भी बैठे हैं। ये दो मटकियाँ पड़ी और वो बैठ, इसके अंडे सामने नज़र आ रहे होंगे आपको। ये ऊपर खड़ी है जाली में, ये देखें काटेगी, ये नहीं डरती। ये रेड आइज वाली भी नहीं डरती थी, और इसके साथ जो ये 7 वाली है वो भी नहीं डरती थी। इसे भगाना पड़ेगा, मुश्किल है भगाना भी इसे, नहीं जाएगी अंदर, अपनी मर्ज़ी से जाएगी। ये भी काटती है, इनमें से ये ग्रीन वाला भाग जाएगा, उसके साथ एक ये भाग जाएगी। ये देखिए ये ग्रीन वाला हाथ लगाते ही भागे, ये नहीं भागे, अब ये भागेगी, उम्मीद तो है। ये गई, और इसे भी भगा रहा हूँ, ये भी नहीं जा रही। हाँ ये भी गई, और अंडे पर नहीं गई बैठने के लिए, ऊपर जा के बैठ गई है अपनी, जाती बैठती। और ये हमारे चिक्स वगैरह, ये नाइटों में ये सोए पड़े थे, जब मैं आया हूँ ना तो फिर ये होशियार हो गए हैं। ये बस बाहर आने के लिए खड़े हैं, इनके खाना वगैरह भी पड़ा है, खीरा वगैरह, बाजरा वगैरह, पानी वगैरह, हर चीज़ पड़ी है यहाँ पे। ये सामने अब घूम फिर रहे हैं, अब मौसम इंजॉय कर रहे हैं मौसम, क्योंकि हवा है पड़ी है, ठंडी ठंडी, गर्म नहीं है इतनी। और अब चलते हैं हम अपने गमलों वगैरह के पास। ये रहा एलोवेरा जेल का, और दूसरा भी साथ पड़ा है इसके अंदर, ये खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और साथ भी एक पड़ा है, ये है किस चीज़ का, ग्रीन टी का। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे गमले वगैरह भी इधर ही हैं मेरे ख्याल में। हाँ ये रे, ये आ गए, फूल था इधर निकल रहा था, वो कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, बस पड़ा होगा कहीं से। और ये पड़ा है हमारी डक का केज वगैरह, और सर डक भी है इसके अंदर, क्योंकि नाइट में इसे ये ऊपर ही होती है, ये भी ठंडी हवा में सोती है, खामोशी से इधर बैठी है, खड़ी है, सॉरी अभी ये रोशनी भी है ना इसी वजह से खड़े, नहीं तो ये इस खामोशी से बैठी थी अपनी जगह पर आराम और सुकून से। और ये देखें रात हो चुकी है काफ़ी, मैं आपको दिखा दूँ, ये लाइट वगैरह चलाई हुई इसी वजह से नज़र आ रहा है साफ। अब चलते हैं नीचे, आ चुके हैं पैड्स वगैरह के पास। ये सामने इसका बच्चा कहाँ गया, अंदर ही होगा, नज़र तो नहीं आ रहा, अंदर ही होगा, नहीं अगर होता तो नज़र आ जाता, इतना भी छुपने वाली चीज़ नहीं है। हाँ वो हो रहा, इस साइड पे इसे पकड़ेंगे और अंदर डालेंगे, अभी ये हाथ में नहीं आ रहा, आ गया, ये पकड़, ये आ गया, फिर भाग गया, फिर बाद में पकड़ेंगे इसे, आप छोड़ देते हैं। और ये सारे बाकी वगैरह पैट्स बैठे हैं हमारे, वो अंदर इसका पर्पल वाली का बच्चा बैठा है। और गुड न्यूज़ भी है इस साइड पर, ये इसके तो दो बच्चे आए पड़े, जो तो थे इसके सारे बाल ये उतर गए हैं पेट वाले जो थे फीमेल के, इसका नाम है रानिया। और 7 वाली का जो बच्चा है ना वो बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, इसे मैं खुद अंदर भेज रहा हूँ, ये नहीं देखने दे रही है ना बच्चे अपने, इसका बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, हालांकि काफ़ी इनसे पहले निकला था, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद तो नहीं है। ऊपर वाली के देखें ये बच्चे वगैरह नज़र आ रहे होंगे साफ, और ये इसके बच्चे तो हमेशा यहाँ पे अब सर निकालते हैं, जब से थोड़े बड़े हुए हैं ना हमेशा ये बाहर आने की ट्राई करते हैं लेकिन आ नहीं पाते, खाना भी इधर से मांगते हैं, अपने मदर फादर को तंग करते हैं। बाकी ये पैड्स वगैरह हमारे बैठे हैं, और ये हमारे कॉकटेल हैं, इनके तो कभी भी ना बनी थी ना बनी है, इनकी बहुत लड़ाई होती है, पहले से भी ज़्यादा होती है। ये हम मटकी हटा लेंगे, जब इनकी बन जाएगी फिर लगा देंगे मटकी वगैरह हम। और इसके बच्चे वगैरह देखते हैं, आते नहीं है ना, ये सुराख छोटा है ना इसका मटकी का मुँह जो है, अगर बड़ा होता ना तो हम इन्हें आसानी से पकड़ लेते। अब ये हमारे लवबर्ड वगैरह इस बैठे हैं सुकून आराम से, दूसरी साइड से देखते हैं, ये बैठे आज निवड़े सुकून से बैठे हैं। और ये 7 वाले ये देख गत्ता खा रहा है, अब जब ये गत्ता खा लेंगे इसे वो मारेंगे,
तो ये रोएंगे, मतलब कि ज़ख्म वगैरह हो जाएगा। बाकी ये बैठ वगैरह सारे बैठे हैं, और साथ वाले भी देख आता हूँ, वहाँ सरप्राइज़ आया हुआ है हमारा असल। हाँ, इस वाली फीमेल का बच्चा निकला है, ये सामने बैठी है। इस वाली फीमेल का बच्चा निकला है, इसका मेरे ख्याल में अंडे का टूटा हुआ खोल भी नज़र आ रहा होगा आपको, जूम इसी वजह से किया मैंने। अब हम ना चलते हैं अपने पिजन वगैरह के पास, पहले ये देख लें, पहले मेरे ख्याल में वो रह गई हैं फाख्ता वगैरह। हाँ, ये रही फाख्ता वगैरह, ये बैठी हैं सुकून से, ये टोकरी वगैरह लगा देंगे। अब चलते हैं पिजन वगैरह के पास। अब आ चुके हैं हम अपने पिजन वगैरह के पास, और फीमेल के लिए ये लेके आ चुके हैं हम, और ये फीमेल अपने अंडे पर बैठी है, और बाकी ये पिजन वगैरह भी, ये फीमेल भी अपने अंडे पर बैठी है, और ये मेल है और बच्चे दोनों साइड पे है। अब ये इतना नहीं मारता इन्हें, पहले जैसे मार लेते जब एक दिन के बाद इन्हें डाला था दोबारा वापसी। ऊपर वाले का मारने वाली वजह पता चला, चल गई थी क्यों मार रहे थे वो दोनों आपस में भी लड़ रहे थे वो। अब ये नीचे वाले हैं, ये बैठे हैं, इन्हें दाने वगैरह निकले हुए हैं इनका, तकरीबन ट्रीटमेंट करवाना है, 1-2 दिन तक करवाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे। ये इनके मदर फादर बैठे हैं, ये फादर है और मदर बैठी है दूसरी साइड में। ये देखिए इसके ये दाने निकले, पता नहीं कौन सी एलर्जी है, समझ नहीं आ रही, पता करेंगे। और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग में।